नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग या थ्योरी ऑफ कल्चर लैग। संस्कृति के बारे में हम जान चुके हैं कि संस्कृति मानव के लिए एक अनुपम उपहार है। संस्कृति मानव की अनुपम अद्वितीय कृति है, जिसे मानव ने अपने विवेक से दूर दृष्टि रखते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने के लिए निर्मित किया है। मानव और पशु के बीच एक अंतर है, और वो अंतर है संस्कृति का। पशु के पास संस्कृति नहीं होती, जबकि मानव के पास संस्कृति है, और इस संस्कृति को, जैसा कि प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट ने बताया है, कि मानव ने अपनी 5 विशिष्ट विशेषताओं के माध्यम से की सहायता से निर्मित किया है। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट मानते हैं कि मानव के पास 5 ऐसी विशेषताएं हैं जो पशुओं के पास नहीं है। आपके अनुसार मानव के पास पहली विशेषता है सीधे खड़े होने की क्षमता, दूसरी विशेषता है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, तीसरी विशेषता है तीक्ष्ण और केंद्रित दृष्टि, चौथी विशेषता है मेधावी मस्तिष्क, और 5वीं विशेषता है प्रतीकों के प्रयोग की क्षमता, अर्थात भाषा के प्रयोग की क्षमता। संस्कृति को अनेकों समाजशास्त्रियों ने, अनेकों मानवशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हम मजूमदार और मदान के द्वारा दी गई संस्कृति की परिभाषा को शामिल कर सकते हैं कि संस्कृति लोगों के जीने का ढंग है। हर्स्कोविट्स संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं। ईवी टाइलर संस्कृति को एक ऐसी समग्र जटिलता के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, आचार, कानून, प्रथाएं, आदतें और क्षमताओं का समावेश है, जिनको एक व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। संस्कृति के 4 उपादान हैं: संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति क्षेत्र और संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति तत्व संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है, अर्थात संस्कृति की वह लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई, जिसका आगे विभाजन करना संभव नहीं है, संस्कृति तत्व कहलाती है। जब 2 अथवा 2 से अधिक संस्कृति तत्व आपस में जुड़ जाते हैं तो वे संस्कृति संकुल का निर्माण करते हैं। संस्कृति क्षेत्र का तात्पर्य उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से है जहां एक संस्कृति जन्म लेती है अथवा जहां संस्कृति विकास
की ओर उन्मुख होती है, विकसित होती है। संस्कृति प्रतिमान का तात्पर्य उन आदर्शों से है जो एक संस्कृति में पाए जाते हैं या जो एक संस्कृति में निहित होते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। प्रत्येक समूह की एक अलग संस्कृति होती है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, संस्कृति का सकारात्मक अर्थ होता है, संस्कृति में सामाजिकता पाई जाती है, सामुदायिकता पाई जाती है, संस्कृति समाज के लोगों को आदर्शों से जोड़ती है, सुंदरता से जोड़ती है, अच्छाइयों से जोड़ती है और इस प्रकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसा ऑकबर्न का विचार है, संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का तात्पर्य मानव द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से है जिनका एक निश्चित भौतिक स्वरूप होता है और जिसके आधार पर उन वस्तुओं की पहचान होती है। जिनको हम छू सकते हैं, जिनका वजन करना, जिनकी माप करना, जिनको छूना, जिनको उठाना, जिनको देखना हमारे लिए संभव होता है, ऐसी सभी चीजें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अभौतिक संस्कृति संस्कृति का वह पक्ष है, वह प्रकार है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न जिसे जिसका वजन कर सकते हैं, न जिसकी माप कर सकते हैं। यह अभौतिक संस्कृति है। ऑकबर्न का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और ऑकबर्न ने संस्कृति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है जिसका एक पैर लंबाई में छोटा होता है और दूसरा पैर बड़ा होता है। ऑकबर्न ने भौतिक और अभौतिक जो संस्कृति के दो प्रकार हैं, इनको संस्कृति के दो पैर कहा है। आपका विश्वास है कि जब संस्कृति पैदा होती है, जब संस्कृति जन्म लेती है, तो जन्म के समय संस्कृति के दोनों पैर बराबर होते हैं, दोनों पैरों की लंबाई समान होती है, अर्थात भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों एक ही अवस्था में होती हैं, एक जैसी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे संस्कृति का विकास होता है तो संस्कृति की एक टांग जो भौतिक है उसकी लंबाई तेज गति से बढ़ती चली जाती है और संस्कृति की दूसरी टांग जिसका नाम अभौतिक संस्कृति है, अभौतिक है,
उस टांग की लंबाई कम रह जाती है। इसका यह आशय है कि भौतिक संस्कृति का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का विकास बहुत धीमी गति से होता है। भौतिक संस्कृति के लिए हम उदाहरण के लिए पहिया को ले सकते हैं, व्हील जिसे कहते हैं, पहिया भौतिक संस्कृति है। पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद दो पहिया वाहनों का आविष्कार हुआ, साइकिल, स्कूटर, बाइक, स्कूटी, बैलगाड़ी, ये सब चीजें आई। इसके बाद तीन पहिए की चीजें आई, फिर चार पहिए वाले वाहन आए, छह पहिए वाले वाहन आए, आठ पहिए वाले वाहन आए, बारह पहिए वाले, सोलह पहिए वाले। तो एक पहिया जिसका प्रारंभ में आविष्कार हुआ, उस एक पहिए ने मानव को ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दो पहियों का प्रयोग करना सिखाया, तीन पहियों का प्रयोग करना सिखाया, चार पहियों का, छह पहियों का, आठ पहियों का, दस पहियों का, बारह पहियों का, सोलह पहियों का प्रयोग करना सिखाया। तो ये उदाहरण इस चीज का है कि भौतिक संस्कृति बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। अब हम बात करेंगे अभौतिक संस्कृति के बारे में। अभौतिक संस्कृति को स्पष्ट करने के लिए टाइलर की परिभाषा में जो आठ शब्द हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। टाइलर ने संस्कृति की परिभाषा में आठ शब्दों का प्रयोग किया है जो अभौतिक संस्कृति को दर्शाते हैं। ये आठ शब्द हैं: ज्ञान, विश्वास, कलाएं, आचार, कानून, प्रथाएं, आदतें और क्षमताएं। ये सब चीज भी परिवर्तनशील हैं, इन सब चीजों का भी विकास होता है, परंतु इनका विकास उतनी तीव्र गति से नहीं होता, उतनी तेजी के साथ नहीं होता जिस तेजी से या जिस तेजी के साथ भौतिक संस्कृति का विकास होता है। और इसके आधार पर ही, इस मान्यता के आधार पर ही ऑगबर्न कहते हैं कि संस्कृति में लंगड़ापन पाया जाता है, संस्कृति का एक पैर छोटा रह जाता है और दूसरा पैर बहुत तेज गति से अधिक लंबाई को प्राप्त करता रहता है। तो ये मैंने बहुत ही सरल शब्दों में ऑगबर्न के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।